हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट वीडियोज ऑन फिजिक्स ऑन विंग टिप्स। और क्वेश्चन इज कैलकुलेट द ग्रॉस लिफ्ट फोर्स ऑन एन एरोप्लेन विंग ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड विड्थ 2 मीटर। द एयर स्पीड अबोव द विंग इज 120 मीटर पर सेकेंड एंड बिलो द विंग इज 90 मीटर पर सेकेंड। एयर डेंसिटी इक्वल्स टू 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ दिया गया है हमें विड्थ दे रखी है और लेंथ दे रखी है, स्पीड्स दे रखी है। तो बर्नौली थ्योरम हम लगाएंगे, पी वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर। प्लेन जो है हॉरिजॉन्टल है तो लेंथ कंसीडर नहीं करेंगे। पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर, हाइट वाली टर्म हम यहां से हटा चुके हैं। सो पी वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर इक्वल टू पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर। सो पी टू माइनस पी वन इक्वल टू हाफ रो वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर, ये हमारे पास आया। सो देखिए यहाँ पर पी टू माइनस पी वन को डेल्टा पी कह देते हैं, इक्वल्स टू हाफ इंटू 1.3 वी वन स्क्वायर यानी 120 का स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर, इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 1.3 इंटू 120 का स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर, इट मीन्स 6300 बचेगा हमारे पास। सो डेल्टा पी हमारे पास कितना जाएगा, 4095 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स इक्वल्स टू पी इंटू ए, सो यहाँ डेल्टा पी यूज करेंगे, डेल्टा पी इंटू ए। सो 4095 इंटू एरिया कितना है, 10 इंटू टू, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81800 न्यूटन, जिसको हम क्या कह सकते हैं, 8.2 राउंड ऑफ कर दिए, इंटू 10 रेस टू पावर 4 न्यूटन। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है।